नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है न्यूज़ रूम। हम हमेशा आपको हर रोज़ मध्य प्रदेश की जो है पांच बड़ी खबरों से रूबरू कराते आए हैं और आगे भी करा रहे हैं, और आज भी हम इसके लिए चलते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर हमारे पास जो आ रही है वो मध्य प्रदेश के इंदौर, आर्थिक राजधानी इंदौर से आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व निगम के जो महापौर हैं, नगर निगम के निगम आयुक्त और महापौर इंदौर के महापौर द्वारा एक फैसला लिया गया था, जिसमें गांधी हॉल के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी उन्होंने जो है एक स्मार्ट सिटी कंपनी व निजी हाथों में सौंप दी गई थी, जिसके बाद से तमाम तरह के विरोध जो है सामने उठ रहे आ रहे थे। वो तमाम तरह के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा की तरफ से भी कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था। पूर्व सांसद जो हमारी सुमित्रा महाजन, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि गांधी हॉल को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे और अगर जनता इसका विरोध करती है तो वो साथ में खड़ी रहेंगी, जनता का साथ देंगी। वहीं इंदौर के जो कांग्रेस नेता है बड़े, जैसे कि संजय शुक्ला आदि, कांग्रेस के द्वारा भी इस बात का विरोध किया गया था, जिसके बाद अब जो है इस बात में जो है फैसला बदल लिया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसको लेकर एक बड़ा डिसीजन दिया। उन्होंने कहा है कि निजी हाथों में गांधी हॉल का रखरखाव अब नहीं सौंपा जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी अब गांधी हॉल के रखरखाव और संचालन से संबंधित कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। इसके बाद अब जो है नगर निगम, जनप्रतिनिधि और शहर के प्रबुद्ध नागरिक मिलकर ही तय करेंगे कि रखरखाव, गांधी हॉल के रखरखाव और संचालन की प्रक्रिया किसे दी जाएगी और कौन इसका जिम्मेदार होगा। दूसरी खबर जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है कि मध्य प्रदेश में आज से जो है कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के जो है 1304 से अधिक सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो गए हैं आज से 25 मई से। प्रवेश प्रक्रिया eprawesh.mponline.gov.in से पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होगी। जो है छात्रों को ही कॉलेज जाके प्रवेश प्रक्रिया नहीं करानी होगी। वहीं प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण होगा, वहीं 3 CLC राउंड होंगे जिसमें स्टूडेंट्स को दस्तावेज सत्यापन के लिए कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सारा काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इस साल जो पीजी जो कोर्सेज है स्नातकोत्तर के, उसके प्रवेश के लिए भी ई सत्यापन की प्रक्रिया ही प्रारंभ रहेगी, उसके लिए भी छात्रों को जो है कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। तीसरी खबर जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के और काफ़ी इन दोनों फेमस हो रहे चर्चित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनको जो है अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा IG की तरफ से यह एक आदेश पत्र जारी किया गया है और इसके संबंध में सभी राज्यों की पुलिस को जो है एक सूचना भी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा का स्तर बढ़ने के बाद इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र भी लिखा गया है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में एक या दो कमांडो के साथ 8 पुलिसकर्मी 2400 घंटे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। साथ ही 2 PSO जिन्हें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी कहा जाता है, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जो है तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि उनके जो विवादित बयान देने की आदत है और जो भी उनके कहने की जो भी कार्यप्रणाली है, बोलने की प्रणाली है, उसको लेकर जो है काफ़ी सारे विवाद सामने आते रहे हैं। साथ ही उनको कई राज्यों में जाने से पहले, कथा करने से पहले उनको जो है धमकियां भी मिलती रहती, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला दिया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। चौथी खबर हमारे पास आ रही है, बड़ी खबर है, आज जो है मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं व 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। काफ़ी समय से जो है इस नतीजे घोषित करने की तिथि जो है वो टल रही थी, असमंजस की स्थिति थी। 15 मई को पहले जारी होने वाले थे, उसके बाद 23 मई की खबर आई, लेकिन अब आज 25 मई को जो है रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। और इसमें मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि 10वीं में 63.29% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, वहीं 12वीं में 55.28% छात्र पास हुए हैं। हायर सेकेंडरी की तुलना में हाई सेकेंडरी का रिजल्ट जो है इस बार ज़्यादा अच्छा रहा है, वहीं छात्रों की तुलना में एक बार फिर छात्राओं ने ही बाजी मारी है। वहीं अब MPBSC की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in और mprizult.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। पांचवी खबर जो आ रही है मध्य प्रदेश में जो मौसम का हाल है वह आ रहा है और बताया जा रहा है कि काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं आज मध्य प्रदेश में जो है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में आज जो है नौतपा शुरू हो गया है और इस बार बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से मौसम के में विभिन्न प्रकार के जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद से बताया जा रहा है कि नौतपा इस बार कम ही तपेगा, क्योंकि कई जिलों में जो है गर्मी पड़ रही है तो वहीं कुछ जिलों में जो है बारिश भी हो रही है लगातार हर दिन। तो इसलिए इस बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं मौसम विभाग के द्वारा कि नौतपा उतना नहीं तपेगा जितना उसे तपना चाहिए। वहीं कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है और बुधवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बारिश हुई है, जिसमें सिवनी में 1, ग्वालियर में 0,
0.2 मिलीमीटर पानी गिरा है और राजधानी भोपाल में तापमान 42 डिग्री बना हुआ है। लेकिन आज भी जो है मौसम विभाग के द्वारा ऐसा पूर्वानुमान जारी किया गया है कि आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में और कई जिलों में जो है बारिश हो सकती है। इसलिए नौतपा पे इस बार उतना नहीं तपेगा जितना उसे तपना चाहिए। बारिश की वजह से जो है तापमान कम रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जो है जारी की गई है। तो ये थी हमारी आज की मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। हम रोजाना आपको ऐसी ही बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।